बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सुरभि राणा बिग बॉस हाउस की नई कप्तान है और कप्तान चुने जाने के बाद ही सुरभि राणा ने जसलीन मथारू के खिलाफ एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस वजह से जसलीन सुरभि राणा से काफी नाराज है और इसी नाराजगी की वजह से सुरभि और जसलीन के बीच में झगड़ा हो गया। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बिग बॉस ने इस बार जेल की सजा के लिए घर में एक टास्क रखा गया है और इसी टास्क के दौरान घर के बाहर गार्डन एरिया में कुछ मटके लगाए गए हैं जिसमें घर वालों को अपने दावेदारों वाले मटके में पानी भरना है, जिससे मटके में से पानी बाहर निकलेगा और जिसका मटका पहले फूट जाएगा वो सदस्य जेल जाने के लिए नॉमिनेट होगा। और इसमें सुरभि राणा जसलीन के मटके में पानी डालते हुए ये कहती हैं कि मैं जसलीन को इसलिए डालना चाहती हूँ जेल में क्योंकि वो बहुत ज्यादा फुटेज खाती हैं। इस बात से जसलीन काफी नाराज होती हैं और वो सुरभि से कहती हैं, आर यू सीरियस सुरभि, तुम इसलिए मुझे जेल भेजना चाहती हो क्योंकि मैं फुटेज खाती हूँ? यार, सब यहाँ पर फुटेज खाने के लिए आए, तालियां मारने कोई नहीं आया यहाँ पर। हैप्पी फिस्ट चुराना, जेल तोड़ना, ये सब तुम्हारे लिए छोटी चीजें हैं और तुमने ये बात चुनी मुझे जेल भेजने के लिए। रूल्स तोड़ना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैं करती हूँ तुम्हारे हिसाब से, जो मैं फुटेज खाती हूँ उसके लिए मुझे जेल जाना चाहिए। आर यू सीरियस सुरभि? सुरभि कहती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई एम हैप्पी विद दैट, और मेरा यही फैसला है। जसलीन कहती है, अपना तरीका अपने पास रखो, मैं कभी नहीं मानने वाली ये। जसलीन कहती है, यार सच में रूल्स तोड़ना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, तुमने मुझ पे ये एलिगेशन लगाया कि मैं फुटेज खाती हूँ इसलिए मुझे जेल जाना चाहिए। लाइक सीरियसली सुरभि? सुरभि कहती है, अननेसेसरी ड्रामा। जसलीन कहती है, हाँ तुम्हारे लिए तो अननेसेसरी ही होगा ये, दिस इज नॉट राइट सुरभि, तुमने ठीक नहीं किया ये। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।